हेलो दोस्तों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है टॉप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स फॉर 2019 एंड द जॉब दे विल क्रिएट। सो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट्स ऑन द टॉपिक टॉप टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स फॉर 2019 एंड द जॉब दे विल क्रिएट। वेरी फर्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इन दिस केस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉबोट माइंड कैन थिंक लाइक एज ह्यूमन माइंड। सो वेन यू आर सपोज टू प्लेइंग द चेस इन फ्रंट ऑफ योर साइड दैट इज सिटिंग ऑफ द रॉबोट एंड दे विल टेक द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू योर स्टेप्स बाय थिंकिंग एबिलिटी एज वेल। ओके, सो वॉट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिम्युलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पोजेसिस बाय द मशीन्स स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स। दिस प्रोसेस इंक्लूड लर्निंग दैट मीन्स द एक्विजिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द रूल्स फॉर यूजिंग द इंफॉर्मेशन। सेकेंडली द रीजनिंग यूजिंग रूल्स टू रीच द अप्रोक्सीमेट और डिफाइनाइट कंक्लूजन्स एंड द सेल्फ करेक्शन। सो थ्री थिंग्स इज एडेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज लर्निंग, सेकेंड इज रीजनिंग एंड थर्ड वन इज सेल्फ करेक्शन। पर्टिक्युलर एप्लीकेशन ऑफ द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन एंड मशीन विजन। सो दीज आर दी थ्री मेजर एप्लीकेशंस वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी कि क्या? सेकेंड टेक्नोलॉजी जो कि मैक्सिमम जॉब है वो अलॉटमेंट करेगी 2019। सो मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक पार्ट है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। विद द मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम्ड टू लर्न टू डू समथिंग दे आर नॉट प्रोग्राम्ड टू डू। सो जो प्रोग्राम नहीं किए हैं मशीन में ऐसा भी काम आउटपुट में दिखाएगा। दे लिटरली लर्न बाय डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा। सो जो भी होगा डेटा उसमें से वो पैटर्न्स जनरेट करेगा, डिस्कवर करेगा जो भी डेटा है अवेलेबल उसमें से। इन जनरल वी हैव टू टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। दो टाइप कैटेगरी में आती है मशीन लर्निंग, दैट इज सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। वाइल मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी ऑल्सो हैव सबसेट्स विद इन द डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग इंक्लूड। और क्या क्या आ सकता है इसमें? तो एक आता है न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम NLP कह सकते हैं, एंड डीप लर्निंग। ईच ऑफ दिस सबसेट्स ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशलाइजिंग इन अ करियर फील्ड दैट विल ओनली ग्रो। सो दीज आर द ग्रोइंग थिंग्स इन मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। सो लेट टेक एग्जाम्पल कि किसी को फॉर एग्जाम्पल कि येलो फीवर हुआ है या फिर कुछ ऐसा डिसीज हुआ है, तो रोबोट है वो डॉक्टर के साथ रहेगा जो कि पेशेंट को स्कैन करेगा और प्रिडिक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स का प्रोग्राम रोबोट में डाला है। तो वो स्कैन करके बता सकता है कि कोई भी पेशेंट है उसका अभी क्या स्टेज है, कब से उसका बैक्टीरियल ग्रोथ चालू हुआ था और अभी का क्या स्टेज है, रिकवरी कितना परसेंट है वो पॉसिबल है एंड कितना टाइम लगेगा। सो अपने हिसाब से रोबोट में जो प्रोग्राम किए हैं वो भी एक कंक्लूजन निकालेगा, डॉक्टर भी कंक्लूजन निकालेगा और डॉक्टर वेरीफाई करेगा कि उसके कंक्लूजन कितने मैच होते हैं रोबोट से, एंड देन आफ्टर ही विल टेक द डिसीजन। सो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इफेक्टिवनेस शुड बी दैट। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। और एल्स जो भी प्रोग्राम है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्कैन करके वगैरह, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मशीन लर्निंग और वी कैन से डीप लर्निंग। ओके, एंड थर्ड वन, थर्ड टेक्नोलॉजी दैट इज द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इन शॉर्ट RPA। सो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या आएगा? तो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और RPA इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट इज ऑटोमेटिंग जॉब्स। जैसे आप देख रहे हो इंडिया में डे बाई डे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही टाइम पे इंडस्ट्रीज में रोबोट का यूसेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज रोबोट कैन वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ टायर्ड।
वो 24 आवर्स रॉबोट ऑल्सो वर्क. सो दैट इज द मेन रीजन एंड मोर इफेक्टिवली मोर फास्टर वे रॉबोट कैन वर्क. सो RPA इज द यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस सच एज इंटरप्रिटिंग एप्लीकेशंस, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस, डीलिंग विद द डेटा एंड इवन रिप्लाइंग टू द ईमेल्स. ये सब चीज़ें पॉसिबल है रॉबोट से आज के टाइम पे. कि आपने कोई मेल किया है तो उसका क्या रिप्लाई करना है, वो सिम्टम्स प्रोग्राम डाले होंगे रॉबोट में, डायरेक्टली वो स्कैन करके पढ़ के रिप्लाई कर देगा. RPA ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क दैट पीपल यूज्ड टू डू. दिस आर नॉट जस्ट द मैनुअल टास्क ऑफ द लो पेड वर्कर. अप टू 45% ऑफ द एक्टिविटीज वी डू कैन बी ऑटोमेटेड, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स, डॉक्टर्स एंड CEOs. सो ये सब चीज़ें इफ यू आर प्रोवाइडेड सम प्रोग्राम्स, वेल डिजाइन प्रोग्राम इन टू द रॉबोट, रॉबोट कैन परफॉर्म इन दिस ऑल फील्ड. ओके, फाइनेंशियल मैनेजर्स, डॉक्टर्स, CEO का काम भी रॉबोट कर सकता है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कुछ क्लीनिंग के लिए या फिर साफ सफाई के लिए आपको अगर रिपीटेटिवली वर्क करना है तो रॉबोट कैन परफॉर्म वेरी वेल विदाउट टायर्डनेस. ओके, नेक्स्ट फोर्थ टेक्नोलॉजी दैट इज द ब्लॉक चेन. ऑल द मोस्ट पीपल थिंक ऑफ द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू द क्रिप्टो करेंसी. सभी ये जानते हैं और नहीं जानते होंगे तो पता चल जाएगा कि ब्लॉक चेन है वो क्रिप्टो करेंसी से मीन्स रिलेट करता है. सच एज बिटकॉइंस ऑफर सिक्योरिटी दैट इज यूजफुल इन मैनी अदर वेज. इन द सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म ब्लॉक चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डाटा यू कैन ओनली एड टू, नॉट टेक अवे फ्रॉम और चेंज. ब्लॉक चेन में क्या रहता है मेन उसका जो रीजन है कि आप ओनली डाटा इंटरप्रेट कर सकते हो, डेटा को निकाल नहीं सकते हो बाहर. ओके, सो ओनली एडिशन इज देयर, नो रिमूवल इज देयर. ओके, हैंस द टर्म चेन बिकॉज यू आर मेकिंग अ चेन ऑफ द डाटा नॉट बीइंग एबल टू चेंज द प्रीवियस ब्लॉक्स इज वॉट मेक्स इट सो सिक्योर. सो दैट इज द ब्लॉक चेन. ओके, नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ जनरल टर्म फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग होस्टेड सर्विस ओवर द इंटरनेट. क्लाउड क्या है कि एक इंटरनेट जैसी एक सर्विस है जो कि हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देती है. और जैसे कि क्लाउड के बहुत सारे एग्जाम्पल इजीली अवेलेबल हैं, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल ड्राइव है, ओके, एंड यूट्यूब है. सो ये सभी एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं. इवन जीमेल ऑल्सो यूटिलाइजिंग क्लाउड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, माई स्पेस, माई लिंक्स, लिंक्डइन, दिस ऑल यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी. सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द जनरल टर्म फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग होस्टेड सर्विस ओवर द इंटरनेट. दिस सर्विसेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू द थ्री कैटेगरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS, एंड द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, IaaS, PaaS एंड SaaS. द नेम क्लाउड कंप्यूटिंग वॉज इंस्पायर्ड बाय द क्लाउड सिंबल दैट्स ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटरनेट इन द फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम्स. सिक्स्थ टेक्नोलॉजी दैट इज द वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. वी कैन से VR एंड AR. सो वर्चुअल रियलिटी VR immerses the user in the environment while augmented reality enhances their environment. Although VR has primarily been used for gaming thus far, it has also been used for the training. As with Virtual Ship, a simulation software used to train US Navy, Army and the Coast Guard ship captains. The popular Pokemon Go is an example of augmented reality. So AR VR system है वो people's को training के लिए useful है. जैसे कि कोई coast guard है, कोई army की system है, navy की system है, तो ये सभी को training के लिए augmented and virtuality है वो possibility दे सकती है. Secondly, कि जो आप Pokemon Go जो launch हुई थी game,
That is the example of augmented reality. So number of the games are that which are dependent on this AR and VR system. Okay. Then yes, this is the example of the Pokemon Go. Okay. Next is the seventh one, that is cyber security. We can say more specifically information security. Three of those advancements are the hardware authentication, cloud technology, deep learning, according to one expert. Okay. Hardware authentication, cloud technology, and the deep learning. These are the three things. According to one expert, another adds data, loss prevention, and the behavioral analytics to the list. As long as we have hackers, we have cyber security as an emerging technology, because it will constantly evolve to defend against those hackers. So jo bhi hackers hai wo kabhi silently baithne wale nahi hai, they work for hacking continuously. So for saving the secrets and saving the different types of means important information like bank account, salary slips, PAN card data, Aadhaar card data, and these all things. Okay. So for that, we need better security system. We can say cyber security to safeguard against the hackers. Cyber security, which is useful for security of the informations and the coding. By coding, we can protect by firewall. Okay. From the virus. So these all are the necessary things. In today's trend, because digitalization is there totally. So cyber security, some important informations are there. As proof of the strong need for the cyber security professionals, the number of the cyber security job is growing 3 times faster than other technical jobs. Koi bhi technical job hai usme sabse zyada growth hai wo hai cyber security mein, 3 times higher than any job of the technical side. However, we are falling short when it comes to filling those jobs. As a result, it predicted that we will have 3.5 million unfilled cybersecurity jobs by 2021. Okay. Many cybersecurity jobs pay 6 figures income, and the roles can range from ethical hacker to security engineer to chief security officer, offering a promising career path for someone who wants to get into and stick with this domain. So cyber security jo hai wo basically relate karti hai ethical hacker se, and number of the positions are that like ethical hacker, security engineer, chief security officer. So these are the different stages, or we can say positions, in the field of cyber security. Okay, you can become cyber security expert. Okay. And as you know, in cybersecurity, 6-digit salaries are there. Now, the next one is IoT system. That is the Internet of Things. Although it sounds like a game you would play on your smartphone, the Internet of Things is the future. Okay, jaise aap smartphone mein games khelte hai, similarly, IoT system, jo ki future mein aise hi cover hone wali hai. Many things are now being built with the Wi-Fi connectivity, meaning they can be connected to the internet and each other, hence the Internet of Things or the IoT. IoT enables the devices like as home appliances, cars, and much more to be connected to and exchange data over the internet. So internet ke through hum data transfer kar sakte, aur jaise ki for example kisi ki office hai कोई प्लेस पे पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कि बरोडा स्टेशन के पास किसी की ऑफिस है. ओके, एंड वो घर से निकल रहा है. सो जैसे ही 2 किलोमीटर दूर ऑफिस होगी, वो वहां की सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर पाएगा ताकि उसको एक्सेस मिल पाए. वहां की वो एसी चला सकता है, टीवी ऑन कर सकता है विद सिटिंग इन द कार ओनली फ्रॉम फार 2 किलोमीटर. ओके, सो सब एटमोस्फियर है वो प्रॉपरली वो सेटअप कर सकता है बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस. So this is the beauty of IoT system. Okay, and many more electronic appliances you can control with IoT system. So that is the basic concept of IoT. IoT enables the device of the home appliances, car, and much more to be connected to and exchange the data over the internet, and we are only in the beginning stages of the IoT. The number of the IoT devices
reached 8.4 billion in 2017, is expected to reach 30 billion devices by 2020. Okay, so बहुत ज्यादा growing stage है in IoT system. Okay, so basically हमने देखी आज की total different 8 category top technology trends for 2019 and the job they will create. So maximum scope is there in cyber security, as we seen that 3.5 million. Okay, so that is not easily filled. So need to learn the ethical hacking and everything. Okay, similarly the cloud technology is important, similarly the machine learning is important, RPA is there, machine learning is there, artificial intelligence is there. So this is the future actually. Okay, and this is the Internet of Things, that IoT system is connected with all the electrical gadgets, laptop, home, and the cars, and the locking security systems, and the mobile phones. Okay, so this way. So this is the IoT system. This is the beauty, that IoT system also using Wi-Fi and the cloud technology also. Okay, for end task users. So आज के लिए friends इतना ही बस. आज हमने बहुत सारा discussion कर लिया है 2019 का क्या trend चलने वाला है और future क्या है और कौन सी जगह पे maximum post availability होगी in a future, वो भी हमने देख लिया है. Cloud में salary मिल सकता है more than 1 lakh rupees. Information security में government opportunities रहेगी. अगर आपको बहुत ज़्यादा robotics का interest है तो you can prefer data science also. Okay, and artificial intelligence is there, robotic program is there. This is the future actually. So thanks for watching. Please like, share, subscribe, hit the bell icon if you want more updated, more knowledgeable videos. Thank you very much. God bless you. All the best for your bright future.